भगवा केवल एक रंग नहीं है हिंदुओं के लिए, ये उनकी आस्था का प्रतीक कि 2-5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, तो लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, इसलिए लोग इस पर बायकॉट की जो है मुहिम वो लोग छेड़ रहे हैं कि अपना राजनीतिक हित साधने के लिए राजनेता ऐसा कर रहे हों। जिस रंग का हम पूजन करते हैं, जिस रंग की हम इतनी आस्था है, अगर उस चीज में विवाद छिड़ रहा है, यदि वो मूवी पठान ना होती तो रंग आ भी जाता तो इसमें कोई दिक्कत ना होती। शाहरुख भाई को सजा दी जाए 8-10 वर्ष की, या फिर जो हो सकता है फांसी भी सजा हो सकती है, ज्यादा दुरुपयोग किया गया तो भगवा कलर का कुछ एडिटिंग वगैरह करके उस कलर को चेंज कर दें। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पिछले कुछ दिनों से शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर के देश भर में बवाल जारी है, और इस बवाल के बीच हम आज जबलपुर पहुंचे हैं और जबलपुर के युवाओं से हम इस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत काफ़ी समय पहले से हो चुकी थी, और जब से इस फिल्म की शूटिंग चालू हुई उसके पहले ही पिछले साल जनवरी में इस फिल्म के निर्देशक को पीटा गया था कुछ लोगों के द्वारा, तब से ये बवाल जारी था। लेकिन 12 दिसंबर को जैसे ही इस फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज किया गया, तो उसमें पहले तो गाने के कॉपीराइट्स को लेकर के बवाल हुआ। ऐसा कहा गया कि जो पूरा का पूरा गाना है एक कव्वाली के लिरिक्स को कॉपी करता हुआ गाना है। फिर उसके बाद एक नया मोड़ आया मामले में, जब दीपिका की बिकनी को लेकर के बवाल हो गया। दरअसल इस गाने में दीपिका पादुकोण के द्वारा भगवा कलर की बिकनी प्रयोग की गई है, अब जिसे लेकर के हिंदू धर्म के कई साधु संतों ने आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि अगर इस सीन को नहीं हटाया गया तो हम मध्य प्रदेश में इस फिल्म के रिलीज होने पर विचार करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता राम कदम ने भी महाराष्ट्र में इस फिल्म के रिलीज होने को रोकने की बात कही है, और जयभान पवैया ने इस बारे में कहा कि अगर दीपिका पादुकोण को सजाया ही जाना था तो हरे रंग के कपड़ों से भी उन्हें सजाया जा सकता है। क्या है इस पूरे मामले पर जबलपुर की युवाओं की राय, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं द खबरदार न्यूज पर, और जानना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोग परिचय बताते चलेंगे, जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे। अभिनव तिवारी नाम है हमारा, और मैं पॉलिटिकल साइंस एमए का स्टूडेंट हूं। दरअसल बात विवाद में नजरिए की है जी। कहना चाहिए भगवा केवल एक रंग नहीं है हिंदुओं के लिए, ये उनकी आस्था का प्रतीक है, इसके एक तर्क है, ऐसे ही नहीं कि हमने बोल दिया भगवा हमारा पूजनीय है। दरअसल भगवा, जब भगवान श्री राम वनवास गए तो उनने भगवा पहना, ठीक है, हमारे बड़े जितने भी संत हुए, स्वामी विवेकानंद ने भगवा पहना, हम जिन साधु संतों द्वारा धर्म की रक्षा की जा रही है वो भगवा पहनते हैं। तो जब निर्देशकों को पता था कि किसी भी चीज़ों को लेकर बवाल हो सकता है, क्योंकि जब फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ फिल्म बनाते हैं, ये एक दो लोगों की मस्तिष्क से निकलने वाला कोई थॉट नहीं है, बहुत सारे लोग बैठ के फिल्म बनाते हैं। तो जब उन्हें पता था कि हम ऐसी चीज़ क्यों बनाएं, फिल्म भाई वो तो अभिव्यक्ति का अधिकार है फिल्म बनाना, आप बना सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब देश में उस तरह का एक माहौल है जहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, जहाँ उनकी भावनाएँ आहत हो जाती हैं, तो क्या आवश्यकता थी उस रंग को पहनने, जिस रंग से किसी संस्कृति विशेष की पहचान है और उनकी भावनाएं आहत होती है। मेरा कहना ये बात तो कपड़ों की नहीं है, बात रंग की है। दरअसल उस रंग से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। अगर और कोई रंग भी, इतने सारे दुनिया में रंग हैं, उसी रंग से क्यों हर कोई तो फिर पहन के घूमने नहीं लगता। भगवा का मतलब संन्यास होता है, वही लोग पहनते हैं भगवा जो संन्यास धारण कर लेते हैं। संन्यास धारण करने से मेरा मतलब है जो इस संसारिक मोहमाया घर परिवार को मोहमाया से मुक्त होने हो जाते हैं, वो भगवा पहन लेते हैं। तो जब वो चीज इतनी हाई लेवल की है, तो फिल्म के निर्देशकों को, जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई, उनको इस बारे में विचार जरूर करना था कि हम आसानी से अच्छी फिल्म बना सकते थे, नहीं करते, और अभी भी समय है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है तो इस सीन को हटा देना चाहिए। एक सीन के हटा देने से आपकी पिक्चर पे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 2-5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि जब चीज़ें बहस में तब्दील हो जाएं, हो सकता है आप वो मैसेज कन्वे ना कर पाएं अपनी फिल्म के जरिए जो आप करना चाहते थे। इस विवाद, अगर ये विवाद नहीं होता तो हो सकता है वो चीज़ें नहीं जाती उतनी तक, लेकिन अब अगर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है, अब इतना बवाल मच चुका है, तो मेरा ये मानना है कि उस चीज़ को हटा देना चाहिए। और इसके अलावा इस जो ये गाना रिलीज किया गया है, तो इस पे दीपिका के द्वारा और कई सारे रंगों के भी कपड़े पहने गए,
तो इसको इस ये कहना कि शायद ये पूर्व प्रायोजित था किस हद तक सही है? नहीं देखिए, प्रायोजित दो तरह से चीज़ें होती हैं। कभी कभी ये जानबूझ के कराया जाता है ताकि हमारी जो फिल्म है वो हो सकता है उनको इस बात का पूरा अंदाजा हो गया होगा कि स्क्रिप्ट में वो दम नहीं है कि एक स्क्रिप्ट के बदले या शाहरुख खान के जिस तरह से माहौल चल रहा है देश में कि शाहरुख खान के नाम पे या दीपिका पादुकोण के नाम पे फिल्म को चलाया जा सके, तो हो सकता है ये चीज़ें प्लांट की जाएं। लेकिन जब ये चीज़ें राजनीतिक रंग लेने लगें, जब ये चीज़ें बड़े लेवल पे आ जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें पूर्व नियोजित हैं। ये एक तरह से अब वो चीज़ें व्यक्तिगत जो लोगों की जो भावना है, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको हर्ट करने वाली हैं, इसीलिए मुझे लगता है ये पूर्व नियोजित तो नहीं है। लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, इसलिए लोग इस पर बायकॉट की जो है मुहिम वो लोग छेड़ रहे हैं। और इसके पहले भी कई ऐसे गाने रहे हैं, कई ऐसी फिल्में बनी हैं जहाँ पर अंतरंग सीन अपनाए गए हैं और उसमें इस कलर के भी कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दोनों मैंने कहा दो नज़रिए की बात है। ये एक तरह से शुद्ध पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि अपना राजनीतिक हित साधने के लिए राजनेता ऐसा कर रहे हों, ठीक है ना। अब दूसरा ये भी है कि पहले जब आता रहा, हो सकता उस समय सोशल मीडिया इस तरह से जो है एक्टिव नहीं रहा हो, इस तरह से चीज़ें नहीं फैलती रही हों, क्योंकि ये जो बात रंग की है, दरअसल जो रंग वो उसमें पहना गया है वो भगवा साधु सन्यासी पहनते हैं और साधु सन्यासी सनातन धर्म में बहुत पूजनीय होते हैं। तो जो जिस रंग का हम पूजन करते हैं, जिस रंग की हम इतनी आस्था है, अगर उस चीज़ में विवाद छिड़ रहा है, तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, मैं किसी की सोच नहीं थोपना चाहता कि नहीं नहीं आपको भी ये मानना होगा, मेरा ये मानना है कि उस सीन को हटा दिया जाए। एक छोटा सा आधे मिनट का भी सीन नहीं होगा, दस सेकंड का तो 10 सेकंड के सीन को अगर हटा दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो नेताओं के द्वारा दिए जाने बयान उसको लेकर के आप पब्लिसिटी इसे स्टंट मानते हैं या कहीं ना कहीं मीडिया की खबरों में लगातार बने रहने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? जी देखिए, राजनीति में तो जो भी व्यक्ति मीडिया में बने रहना चाहता है वो हर किसी भी पार्टी में है, अपने अपने अनुसार अपनी अपनी विचारधारा या अपनी अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए समय समय पर बयान देता रहता है। तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि हाँ, ज़्यादा हद तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब किसी जनता की आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसमें राजनीतिक दल एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो राजनीतिक दल हो सकता है उनका खुद का इंटेंशन हो ताकि वो लोगों तक इस बात मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हो कि हाँ ऐसा बोल देंगे तो हमारे तरफ ये चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी, तो हो सकता है हाँ एक पॉलिटिकल अटेंशन हो सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूँगा कि ये जरूर आस्था के साथ खिलवाड़ भी है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत आभार। ये पठान मूवी जो है, पठान शब्द ही ये मुस्लिमों से ही संबंधित है, जिसमें भगवा रंग का दुरुपयोग, जो हमारे साधु संत ऋषि मुनियों का रंग है, इस रंग का दुरुपयोग करना बहुत ही बेशर्म की बात है। ऐसे तत्काल प्रभाव से इस मूवी को निरस्त कर देनी चाहिए, गाने को नहीं हटाना चाहिए, मूवी को ही अलग कर दी जानी चाहिए। तो आपने जैसे अभी कहा कि पठान जो शब्द है वो मुसलमानों से प्रेरित है, मुस्लिम से प्रेरित है, तो आखिर मुस्लिम से प्रेरित होने भर से किसी मूवी को न रिलीज होने देना या फिर जो है तो कहाँ तक जायज़ है? जायज़ तो नहीं, क्या है कि पठान शब्द ही जो मुस्लिमों से संबंधित है, उसमें भगवा रंग का दुरुपयोग करना, उस मूवी में इस रंग का दुरुपयोग करना, यदि वो मूवी पठान ना होती तो रंग आ भी जाता तो इसमें कोई दिक्कत ना होती, पर उस मूवी में भगवा रंग का दुरुपयोग, ये असल मसला नाम से अगर पठान की जगह पर जो है तो उसका नाम कुछ दूसरा हो जाता, भाई हो जाता, बहन हो जाता, तो इस्तेमाल किया जाता तो फिर कोई नाराजगी नहीं होती। नहीं होता, क्योंकि ये धर्म का ही प्रतीक है, यहाँ भगवा हिंदुओं का प्रतीक है और पठान मुस्लिमों का, इसमें ज़्यादा दुष्परिणाम फैल रहा है, बहुत ही कठोरता से इसमें कदम उठाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और मान लीजिए ये फिल्म रिलीज की जाती है तो क्या एक्शन हो सकता है? एक्शन हो सकता है कि अपने शाहरुख भाई को सजा दी जाए 8-10 वर्ष की, या फिर जो हो सकता है फांसी की सजा हो सकती है। अच्छा, ज़्यादा दुरुपयोग किया गया तो भगवा कलर का, क्योंकि जनता की यही मांग है हिंदू की। आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले को लेकर के जो अभी ताज़ा दिनों में ताज़ा हालात में ये मामला चल रहा है? देखिए, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह जो है अपन कोई विवाद नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जातिवाद नहीं किया है, सभी लोग लॉ के हिसाब से ठीक है।
तो हम इस मूवी के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो गाना बनाया गया है इनको सोच समझ के बनाया गया था। जो इनने भगवा रंग का इस्तेमाल करा है इसमें, उनको या तो कहीं किसी और सीन में यूज़ करते तो भी ठीक था, और जो फिल्म का जो नाम है पठान, वो भी हम कह सकते हैं ठीक है आपने रखा तो रखा है, पर भगवा रंग की जगह और किसी रंग का यूज़ करते तो भी वो ठीक था। तो एक देखा जाए तो सही है फिल्म में, बस अगर वो उस सीन को हटा दे या कुछ एडिटिंग वगैरह करके उस कलर को चेंज कर दे तो यहाँ पर जो है पब्लिक शांत हो जाएगी और ज़्यादा मतलब वो नहीं पड़ेगा। ऐसे विवादों पर क्या कहना चाहेंगे, ऐसे विवाद होते रहते हैं लगातार, तो ये विवादों पर क्या राय है आपकी, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? विवाद उठने का तो सबका अपना धर्म के हिसाब से रहता है कि सभी अपने धर्मों के हिसाब से अपने धर्मों के लिए बोलेंगे, पर मेरा ये कहना है कि वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए, विवाद ज़्यादा उठने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, अगर आप धर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए इतनी मायने नहीं रखती हैं, लॉ के हिसाब से मायने नहीं रखती। क्या कहना चाहेंगे, अभी तक जो ये मसला हम कई सारे लोगों ने बताया और कहा कि जो है तो इस पर ऐसा होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि ये कलर है जो है इसको एडिट कर दें या हटा दें तभी अच्छा है। कलर हटा देना चाहिए? यस। तो मामले को सुलझाया जा सकता है? यस। आपका क्या मानना है, परिचय देते हुए बताएंगे? बिल्कुल, मैं योगेश मिश्रा जी, राम दुर्गावती विश्वविद्यालय से मैं MLT कर रहा हूँ जी। जी बिल्कुल, मेरा भी यही मत है कि भगवा रंग हमारा हिंदुओं का प्रतीक रहा है, जो जन्म जन्मांतर से वही हम लोग देखते आ रहे हैं, इसलिए मेरा भी यही मानना है कि भगवा रंग का जो कट सीन है वो उसको कट कर देना चाहिए ताकि विवाद भी शांत हो जाए। और ऐसे विवादों पर क्या कहेंगे, मतलब जब ऐसे छोटे छोटे विवाद उठते हैं तो फिर वो विवाद राजनैतिक गलियारों से लेकर के सड़कों तक पहुँच जाते हैं, काफ़ी सारा आर्थिक तौर पे नुकसान भी होता है, तो इस तरीके के विवादों को सुलझाने का क्या कोई दूसरा भी तरीका हो सकता है? फेस टू फेस टेबल पे बैठ के भी क्या ये मामले सुलझाए जा सकते हैं? बिल्कुल सुलझाए जा सकते हैं, हमें यही करना चाहिए, ज़्यादा बवाल नहीं मचाना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए आपस में। जैसे कई सारे संगठनों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि थिएटर्स पे तोड़फोड़ की जाएगी, फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, कहीं ना कहीं जो फिल्में होती हैं वो एक इमेजिनेशन, एक काल्पनिकता से भी रिलेट करती हैं, और फिल्मों के शुरुआत होने पे ही यही लिखा गया होता है कि सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, फिर इस तरीके के बवाल को लेकर के क्या कहेंगे? सर ये अभी पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सी फिल्मों में ऐसा आहत किया जा चुका है, हिंदू धर्म का जो वो है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो हिंदू धर्म के ऊपर बनाई जाती हैं और किसी और धर्म के ऊपर कोई भी फिल्म नहीं बनाई जाती है। हमेशा से ही बॉलीवुड वाले अपने हमारे हिंदू धर्म के ऊपर फिल्में बनाते हैं। अभी पिछले दिनों आदि पुरुष पर भी एक मामला आया था कि चप्पलें पहनाई गए हैं श्री राम को किस तरीके से, तो वो तो साउथ इंडिया की फिल्म थी, बॉलीवुड की फिल्म नहीं थी। तो साउथ इंडिया की फिल्म थी तो उनमें वो इस बॉलीवुड के थ्रू आई है वो फिल्म। अच्छा, बॉलीवुड के थ्रू आई है इसलिए उस पर असर है। उसमें हनुमान जी के कॉस्ट्यूम पे भी बहुत सारा कहा, मतलब उनका कॉस्ट्यूम के ऊपर भी बहुत टिप्पणी हुई थी, क्योंकि अलग तरीके का कॉस्ट्यूम पहनाया गया था जो मतलब आज तक देखा ही नहीं किसी ने। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर बॉलीवुड ऐसी पिक्चरें बनाएगा तो इसको बायकॉट कर दिया जाए, बस। बायकॉट करने की तो मुहिम काफ़ी दिनों से चल रही है और काफ़ी फिल्में पिट भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब हम बॉलीवुड की तरफ नज़र उठा कर देखते हैं। वो इसी के कारण, इससे मतलब जो ये सब किया जा रहा है इनके द्वारा उसी का नतीजा है ये, बॉलीवुड बायकॉट होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के आप सहमत हैं? जी सर। और आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे के पूरे मसले को, इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर के कि जो ये मामले इस तरीके से उठ रहे हैं? अभी पिछले दिनों एक लाल सिंह चड्ढा मूवी भी आई थी आमिर खान की, उसका भी बायकॉट किया गया, काफ़ी बुरे तरीके से वो बॉक्स ऑफिस पर पीटी, इस फिल्म को लेकर भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो कपड़ा यूज किया गया है हिंदू धर्म के प्रतीक भगवा कलर, इसका तो विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हिंदू धर्म का एक सम्मानित प्रतीक है, तो हिंदू धर्म इसको तो विरोध करेगा ही। अगर ये रिलीज हो रहा है इस सीन से तो हिंदू धर्म इसको सहन नहीं करेगा, क्योंकि इसका विरोध करेगा या पर्दे पे आएगी इसको, या पर्दे को जला दी जाएगा। हिंदू धर्म जो है देश में सर्व सम्माननीय है, सर्व है, मैं यही कहना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा जी नाम गायेंद्र सलाम है, BEd डिपार्टमेंट से हूँ जी। चले, बहुत बहुत